राधे राधे मित्रों, क्या आपको मालूम है लक्ष्मण जी 14 वर्ष के वनवास के दौरान क्यों नहीं सोए थे? ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई राम और भाभी सीता जी की रक्षा के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते ही नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश का भी नाम दिया गया और उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुईं। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया, विनती करते हुए कहा कि उन्हें ऐसा वरदान दें कि वनवास के 14 वर्षों तक उन्हें नींद ही ना आए और वह अपने प्रिय भाई राम जी और भाभी सीता जी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण जी की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला के पास गईं और सीता जी की बहन जो उर्मिला है उनके पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्ष तक वह सोती रहीं। तो यही कारण था कि पूरे 14 वर्ष के वनवास के दौरान लक्ष्मण जी नहीं सोए थे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा।